जैसे आप सभी लोग उम्मीद है अच्छे होंगे, तो इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि पेमेंट प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या डिटेल्स को डालना पड़ता है, और इस रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीएमए के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो आप अगर फाउंडेशन पास आउट हो तो आपको इसके बारे में पूरे से नॉलेज होगा, तो आपको गूगल या क्रोम, आप लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप ऑप्शन चूज़ करो रजिस्टर करने के लिए, गूगल या क्रोम में जाके सीएमए सर्च करके, ICMI सर्च करके उसके वेबसाइट में आके आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। तो आप अगर इस इंटरफेस में अगर आते हो तो आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर से लिखा हुआ है स्टूडेंट सेक्शन, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप इस यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको ये एडवर्टाइजमेंट हटाना है करके दिया है, उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये ऑनलाइन एडमिशन हो गया आपका, तो ऑनलाइन एडमिशन पर सिंपली क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी हम इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन तो फाउंडेशन में जा सकते हो, इंटरमीडिएट फाइनल सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको सिंपली इंटरमीडिएट में अप्लाई का बटन दिख रहा है, अप्लाई कर जाना है। और जब भी आप बी अवेयर हो जाए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको किस टर्म में आपको एग्ज़ाम देना वो देख लिया करिए। तो जैसे मेरा एट टाइम June 25 है, तो वहाँ पर जून टाइम शो कर रहा है, तो आपको सिंपली अप्लाई बटन क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई बटन करोगे तो ऐसा इंटरफेस करेगा। अगर ये चीज़ आप लैपटॉप में करो तो उसमें अच्छा परफेक्ट साइज में दिखता है। जैसे मैं अगर अभी स्मार्टफोन में कर रहा हूँ तो स्मार्टफोन में ऐसा सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आप टर्म में कंडीशन पढ़ लें, एक समराइज दे दूँ तो ये थोड़ा स्टेट के बारे दिया है, एलिजिबिलिटी दिया है। तो आप अगर आप सीएमए में हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सीएमए फाउंडेशन पास करके आए होगे। बाक़ी आप अदर चीज़ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप कर सकते हो। ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन पास करके आते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। आप जैसे भी आप एलिजिबल हो आप आ सकते हो। फिर उसके बाद आपको सिंपली आके आपको अमाउंट के बारे में डिटेल ले लेना है। आपको अमाउंट के बारे में यहाँ डिटेल दिया है, पर अगर आप सजेशन दूँ ना, आप पूरी डिटेल से भरने के बाद आप फुल पेमेंट करो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन देना, आपको डेट के लिए अवेयर नहीं रहना पड़ेगा कब मेरा टाइम है कब देने के लिए, और कभी आगे जाकर कोई प्रॉब्लम भी ना आएगा अराइज़ हो, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ये कि आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज़ करो तो बेटर है, फुल पेमेंट करके निकल लो आप। उसके बाद आपके यहाँ पर ओरल पोस्टर में डिफरेंस बताया गया है, अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, पर आपको जिन लोगों को क्लियर नहीं है, ओरल सिंपल ये रहता है, आपको कुछ जहाँ भी आपके नियरेस्ट चैप्टर हो गया, फिर जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होगा, तो वहाँ पर आपको जाके आपको अपना बुक लेना है, प्लस कोचिंग क्लासेस भी आके वहाँ कर सकते हो। आपको सिंपल ओरल में आपको टीचिंग मिलता है, बाकी पोस्टर में कोई टीचिंग नहीं मिलता, वो खुद से अपनी प्रिपरेशन करना रहता है। तो ये कि आप प्रोफेशनल कोर्स में आए तो आप खुद से ही पढ़ोगे, दूसरे पर डिपेंड रहोगे, तो पोस्टर ओरल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ले सकते हो, ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिंपली बुक और पढ़ने का रहता है। फिर यहाँ पर सिंपली यहाँ गिवन एग्जामिनेशन टर्म, तो इसको मैं बार बोलूँगा कि अपना टर्म देख लो, अगर आप पहले से डिटेल हो तो दिक्कत नहीं है, पर अगर June 25 में आपको देना है तो ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड जाना है। तो अगर आप पहले से यहाँ पर हो रजिस्टर्ड, तो आपको आपके ईमेल आईडी क्रिएटर होगा, तो अपने ईमेल आईडी पे जाके अपना लॉगिन करना है, तो आपका स्टूडेंट सेंक्शन मिल जाएगा आपको। तो सिंपली अगर नहीं हो तो आपको सिंपल यहाँ पर क्रिएट लॉगिन अकाउंट में जाके आपको अपना डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे उसको जाके यहाँ पर क्रिएट कर लेना। बट अभी मैं इस एजम्पशन में चल रहा हूँ कि आपका पहले से होगा, तो मैं सिंपल यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं आपस। अगर आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देगा, आपका जो भी अगर उसमें रहेगा उस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे होम में आओगे आप, तो होम में आपको सिंपली आपका जो जो आप चीज़ कर सकते हो, जैसे फाउंडेशन पास आउट, फाउंडेशन का इन्फॉर्मेशन देगा, और इंटरमीडिएट पास आउट, इंटरमीडिएट लोग अप्लाई कर चुके उसका इन्फॉर्मेशन देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पास आपको आओगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन का बटन देगा, मैंने एडमिशन कर लिया, यहाँ पर एडमिशन शो नहीं कर, आपको एडमिशन का बटन यहाँ पर शो करेगा, वहाँ पर एडमिशन क्लिक करना है। तो आप एडमिशन का बटन क्लिक कर लोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली अपने डिटेल्स को चेक करना है, अपने डिटेल्स जहाँ रिक्वायर्ड उसको फिलअप करना है, तो उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर लोगे। तो सिंपली यहाँ पर कोर्स इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया है, फिर June 25 के लिए एलिजिबल हो आप, यहाँ पर सिलेबस हो जाए भाई साहब को, अपलीकेशन नंबर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो अपलीकेशन नंबर ऑटोमेटिक आपके रिस्पेक्टिव जीमेल में आ जाएगा। तो आधार नंबर को आप चेक कर लीजिएगा, आधार नंबर ऑटोमेटिक सेंस होगा, फाउंडेशन पासवर्ड ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है, इतना ही है तो आपको फिलअप करना पड़ेगा।
मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो भी पास हूँ मैं सीएमए फाउंडेशन पास हूँ तो मैं सीएमए फाउंडेशन यहाँ पर डालूंगा। रजिस्ट्रेशन टाइम यहाँ पर रेगुलर फिलअप हो जाए कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पास। पिन कोचिंग टाइप ओरल पोस्टर एज पर माई सजेशन आप पोस्टर चूज करो, ज़्यादा बेटर ओरल ना करो, पर आपके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दोनों किसी पर भी जा सकते हो। आप जिस स्टेट में वहाँ पर जाना है, जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में जाना थी, यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सब रेस्पेक्टेड जो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपको दी गिवन उसको डालना है यहाँ पर। इसको करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल नीचे करना है। आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन जाएगा यहाँ पर, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गए, तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डाल दो अपना नाम, नेम, मिडिल नेम, टाइटल, फिर स्टूडेंट ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, फादर अपने फादर, या अगर आप रेस्पेक्टिव अगर गर्ल हो गर्ल के लिए, अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड का नाम डाल सकते हो, नहीं तो मेजोरिटी लोगों का फादर अपने फादर का डिटेल, मदर एंड डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो उसको डालना है। और ये क्लियर रहेगा आपका आधार कार्ड हुआ था डिटेल्स मुझे कि अदर डेट ऑफ बर्थ मत डालें, क्योंकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो एज पर माई सजेशन आपको आधार कार्ड या फिर आपके मार्कशीट 12th मार्कशीट में जो उसी डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर फिलअप करिएगा। उसके बाद मैरिड अनमैरिड आपको मैरिड स्टेटस फिलअप करना है। उसके बाद इस इंडियन नेशनलिटी डालना है, रिलीजन हिंदू आपका अगर कुछ है तो उसको डाल सकते हो, जेंडर मेल या फीमेल आपको यहाँ पर सिंपल करना है। आपको जो कैटेगरी हो कैटेगरी फिलअप कर देना है, SC ST OBC जनरल जो भी हो। उसके बाद आपको फिजिकल कुछ अगर कोई नहीं है, अगर आप हैंडीकैप नहीं हो या फिर कुछ आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है तो नो क्लिक कर लीजिएगा। डिसेबिलिटी परसेंट ये सब उनके रिक्वायर्ड है जिनको एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, तो अगर कोई नहीं तो सिंपली इग्नोर करके लिस्ट कॉल नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एड्रेस आपको जो डालोगे उसी पर आपका बुक डिलीवर होगा, इसलिए एड्रेस के टाइम पर थोड़ा ध्यान दिया कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको तीन सेक्शन दिए हैं, 1, 2, 3, 4, ये तीन चीज़ों पे आपको पूरा डिटेल रिक्वायर्ड है आपको एकदम होम एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, तो जैसे आप एक्स वाई जेड पे हो तो वहाँ का फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, एरिया उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना नियरेस्ट एरिया जो भी आपका सिटी होगा उसका नाम है डाल दीजिएगा। फिर वहाँ पर रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बला बला चीज़ें होंगे उसको आप आधार कार्ड या फिर किसी चीज़ को देख के ज़्यादा फॉलो करके वहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना कंट्री, स्टेट एंड सिटी एंड पिन कोड जो है उसको करेक्ट डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा कि कोई कुछ होगा आपको कांटेक्ट कर लें, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपको कंटिन्यू अभी तक फॉलो कर गया है। उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल नीचे करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात पूछेगा, तो अपने क्वालिफिकेशन को अपने अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा जो भी डालना है। एक क्लास टेंथ का डिटेल है यहाँ पर, क्लास टेंथ का डिटेल आपको फिलअप करना है। तो ये अगर टेंथ तक तो कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर जनरली होना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी बोर्ड है वहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपका जो भी ईयर टेंथ पास आउट किए हैं उसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने 12th 10th के मार्क्स, 10th और 12th के मार्कशीट को चेक करके, क्योंकि कई बार बैचेज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 2012-22 में मैंने पास किया तो जो फिलअप कर दिया, और जो भी परसेंटेज है उसको आप यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर सकते हैं जो भी आपको परसेंटेज मिले टेंथ। अगर सेम चीज़ यहाँ 12th में आपको जो भी, जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है तो कॉमर्स या फिर साइंस मैथ्स जो भी आपका बैकग्राउंड उसको फिलअप कर लीजिए। फिर आपको जो भी स्टेट बोर्ड, जैसे मेरा छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो आपको अपना बोर्ड डालना है। फिर 2024 में मैंने अपना 12th पास आउट किया, तो जो भी एक्स वाई जेड आपका परसेंटेज है आप इसको डालना है। उसके बाद आपको नीचे अदर डिटेल्स दी गई हैं, पर मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ अगर आप यहाँ तक हो तो आपका कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर है तो है तो अच्छी बात है, आप उसको डिटेल डाल सकते हो CMA CA जो भी आप पास आउट हो। अगर जिनको नहीं है तो आप सीधे ही इसको इग्नोर करके आगे पढ़ दीजिएगा। तो सिंपली आपको आगे आके यहाँ पर आपको फाउंडेशन का, जैसे मैंने फाउंडेशन चूज़ किया था, फाउंडेशन का डिटेल मांग रहा था, आपको फाउंडेशन का इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे मेरा फाउंडेशन डिटेल जून मैंने पास किया 2024 में, फिर रोल नंबर आपका जो भी उसके एडमिट कार्ड या भी पासिंग NCC में रिजल्ट में गिवन होगा उसको रोल नंबर फिलअप करना है। और जो भी मैंने जैसे मेरा फाउंडेशन 274 मार्क्स आए तो आपको वैसे ही जो भी मार्क्स हैं उसको आपने डांस किया, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। इसको करते ही आपको रेस्पेक्टिव जीमेल में आपको अप्लीकेशन नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा SCMA के द्वारा। तो सिंपली इसको करने के बाद आपको आगे आ जाना है। तो फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आना जाएगा मिलेगा, कोर्स टाइप सेम, फिर एप्लीकेशन नंबर आपको उस एप्लीकेशन साइट से मिल जाएगा। क्यों आप जैसे उसको करोगे आपके जीमेल में आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा, ऑटो सेंस कर लेगा। फिर नेम चेंज, क्योंकि मैंने कोई नेम चेंज नहीं किया वहाँ पर ऑप्शन था तो वहाँ पर नो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना है,
अपना एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे यहाँ पर दिए हैं पासपोर्ट साइज, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। पासपोर्ट फोटो आपको 200 KB से कम होना चाहिए, फिर उसके बाद सिग्नेचर आपको 100 KB से कम होना चाहिए, फिर उसके बाद PDF आपका जो भी PDF होंगे उसको 300 KB से कम रखना है, फिर आधार कार्ड आपको आइडेंटिटी प्रूफ के जैसा भी यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पर पासपोर्ट साइज आपको अपलोड कर देना है, ये रिमेम्बर रखिए 200 KB से कम, फिर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डालना है, एज प्रूफ में आपका जो भी आपके पास होगा तो उसको, मैंने तो आधार कार्ड को अपलोड किया है। 10th का मार्कशीट आपको PDF बना के अपलोड करना है, 12th का भी मार्कशीट PDF बना के अपलोड करना है, फोटो खींच कर कर सकते हो, या फिर उसके बाद CMA फाउंडेशन का मार्क्स होगा जो आपको CMA के वेबसाइट में जाके डाउनलोड करके उसका PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सिंपल टोटल 7 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको अपलोड एंड नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस पिन मिलेगा, आपको पेमेंट के लिए यहाँ पर कुछ कि आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, email ID रहेगा, नेम क्रॉस चेक के लिए पिन कोड जहाँ आपने डाला होगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको ऑप्शन चूज़ करने को मिलेगा कौन सा आपको चूज़ करना है, फुल पेमेंट या फिर फीस इन इंस्टॉलमेंट। तो एज पर माई सजेशन फुल पे फीस ज़्यादा बेटर है, फिर आपको उसके अमाउंट का यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी मिला जाएगा आपको, 21,500 रुपये आपका है इंटरमीडिएट पोस्टल ट्यूशन फीस, फिर 500 रुपये आपका इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन फीस, फिर 1,100 आपका इंटरमीडिएट स्किल ट्रेनिंग फीस। ये स्किल ट्रेनिंग तब रिक्वायर्ड जब बोर्ड ग्रुप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर मैंडेटरी करना। तो उसके बाद आपको सिंपली दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं ये आपका अमाउंट है, उसके बाद यहाँ पर टिक करने के बाद आपको सिंपल प्रोसीड करना है। तो एक बार यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो सिंपली आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन चूज़ करने को मिलेगा। तो सिंपली आपको पेमेंट जो भी करना होगा फ़ोनपे पेटीएम इस ऑनलाइन नेट बैंकिंग जहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे उसको ऑप्शन चूज़ करके आपको 23,100 का पेमेंट करना है। तो मैंने पेमेंट कर दिया, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको, फिर पेमेंट सक्सेसफुल, फिर उसके बाद आपको आप रिचेक करने के लिए आपको वापस से अपने होम में आके आपको ये चेक करना है कि आपका यहाँ अप्लाइड शो कर रहा है कि नहीं, जैसे मैंने कर लिया था अप्लाइड शो करेगा, फिर 3 to 4 वर्किंग डेज के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपके रिस्पेक्टिव जीमेल में, तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे, उसके बाद अपना वो आपको उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का उधर से एक लेटर आ जाएगा, प्लस आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आ जाएगा CMA की वेबसाइट से, प्लस पेमेंट रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा। 3 डॉक्यूमेंट आपके पास में आएंगी और तीनों डॉक्यूमेंट का एक्सपेक्टेड संभाल कर रखा करिएगा। तो मेरे 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स CMA की वेबसाइट से आ गए हैं। तो यही था सिंपल सा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल रहेगा, तो आप अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर प्लस आपको कोई और डाउट हो या फिर कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई होंगी तो उसको आप रिस्पेक्टिव कमेंट में चूज़ कर लीजिएगा। एंड मेरे तरफ से आपको इंटरमीडिएट के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे मार्क्स से अपना एग्ज़ाम निकाल लीजिए।